आगरा में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है इसी बीच शहर के चमन लाल बाड़े में सब्जी बेचने वालों में कोरोना संक्रमण की खबर मिलने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए चमन लाल बाड़े इलाके को सील कर दिया है और करीब दो से ज्यादा लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया है ऐसा बताया जा रहा है कि सब्जी बेचने वाला शख्स पहले ऑटो चलाता था लेकिन देश भर में लॉकडाउन लागू होने की वजह से वो सब्जी बेचने लग गया बीमार पड़ने पर जब उसका कोरोना टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव पाया गया वहीं अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उस शख्स के संपर्क में आए लोगों को खोजना है फिलहाल प्रशासन ने 2000 से ज्यादा लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया है लेकिन प्रशासन इस खोज में है कि वो शख्स संक्रमित हुआ कैसे साथ ही वो किन किन लोगों के संपर्क में आया इस पर भी जिला प्रशासन विचार कर रही है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आगरा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में सामने आया है वहीं शनिवार को कोरोना वायरस के करीब 45 मामले सामने आए जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 241 हो गई हो नगरी ताजनगरी में मिले नए मरीज कोरोना मरीज के संपर्क में आए थे वहीं आगरा में कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक पांच लोगों की मौत हुई है सब्सक्राइब आवर चैनल अपडेट